हाय हाय वे जदों खबरां ची। सो हे गाइस, आप सभी कैसे हो। हम वापस आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और इंस्टाग्राम पर वायरल रील की एडिटिंग लेके। गाइस, इंस्टाग्राम रील्स पे कुछ इस तरह का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर वाला, जिसमें न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आती है और काफी कूल लगता है देखने में। तो आज हम यही वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। सो बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, मैं समझ आप देख रहे हो टेक्निकल सम, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। गाइस, ये वीडियो बनाना बहुत ही इजी है, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो गाइस, इस वीडियो में आपको क्या क्या लगने वाला है मैं आपको क्विकली बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक म्यूजिक लगने वाला है, जो कि इस वीडियो के लास्ट में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चला है वो म्यूजिक। गाइस, ये जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आप जब टेलीग्राम पर जाकर टेक्निकल सम सर्च करोगे तो मेरा चैनल फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करके और म्यूजिक को डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। सो फटाफट से हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं और देख लेते हैं कि आप इस तरह का वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस, हम यहाँ पर अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी वीडियो एडिट करने के लिए हमको दो एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट एप्लीकेशन है फोटो फनिया और सेकंड एप्लीकेशन है वीएन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन। ये दोनों एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले वीडियो एडिट करने के लिए हम यहाँ पर फोटो फनिया एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे और ओपन करने का यहाँ पर पॉपुलर में चले जाएंगे। इधर पॉपुलर करके हमको देखने को मिलेगा इधर, और इधर जाने का हमको यहाँ पर न्यूज़पेपर के काफ़ी सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर बिजनेस न्यूज़पेपर करके जो है इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करने का हमको नीचे तरफ सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर का नेम मांग रहा है, तो हम फटाफट से न्यूज़पेपर का नेम दे देते हैं। तो हम यहाँ पर नेम दे देते हैं, मैं दे देता हूँ TSP। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर का नेम दे दिया। अभी यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहा है, इस आर्टिकल का नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल का नेम कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस आर्टिकल का नेम दे दिया। अब नेम देने के बाद यहाँ पर चूज फोटो करके लिखा रहा है, तो हम यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे चूज फोटो पर। और यहाँ पर क्लिक करने का यहाँ पर हम अपनी कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं अपनी इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा फ्रेम के हिसाब से कट करके सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर ओके कर लेंगे। ओके पर क्लिक करने का आप देख सकते हैं यहां पर हमारी फोटो आ चुकी है। अभी हम इधर ऊपर साइड ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही एक कुछ ही सेकंड में हमारा जो फोटो है उसको न्यूज़पेपर के टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूज़पेपर के टेम्पलेट में हमारा फोटो कन्वर्ट कर दिया। अभी हम ऊपर तरफ सेव के आइकन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे, अलाउ कर देते हैं और ये फोटो सेव हो गई। अभी हम सेम टू सेम ऐसी ही एक और फोटो क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर गाइस, आप देख सकते हो इसने हमारी सेकंड फोटो भी बना के तैयार कर दी। अभी हम फिर से इधर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे और सेव करने का हम थोड़ा बैक आएंगे और बैक आने का हम अपना वीएन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अब वीएन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने का नीचे तरफ प्लस के आइकन पर आएंगे और न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। और न्यू प्रोजेक्ट में आने का यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, वीडियो और फोटो। तो इधर हम फोटो पे आएंगे और फोटो पे आने का यहाँ पर अपनी दो न्यूज़पेपर वाली फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक तो हम इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी कोई भी एक फोटो इधर से भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इधर मैं एक और फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से हम इधर राइट के आइकन पर इधर क्लिक करके इसको ले आएंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे अपनी इमेज को। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारी फोटो वाली इमेज यहाँ पर आ चुकी है, हमारी ये वाली फोटो भी आ चुकी है। अभी हम ऊपर तरफ ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो फोटोज़ हैं वो रील के फॉर्म में आ चुकी हैं। अगर आपकी कोई फोटो इनबैलेंस हो जाती है तो आप उस पर क्लिक करके और उसको कुछ इस तरह से उंगली की हेल्प से अच्छी तरीके से फ्रेम में सेट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस फोटो को भी और इस फोटो को भी फ्रेम में सेट कर लेता हूँ, अपनी दोनों ही फोटोज को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लास्ट में जाएंगे और लास्ट में जाने का एक इनपुट टाइटल करके लेयर होगी, तो इस लेयर को इधर से डिलीट कर देंगे और फिर से इधर प्लस के आइकन पर क्लिक करके वीडियो और फोटो में जाएंगे। और वीडियो फोटो में जाने का फिर से इधर फोटो में जाएंगे और फोटो में जाने का एक फोटो फिर से हम अपनी न्यूज़पेपर वाली ले लेंगे। तो हम अपनी ये वाली न्यूज़पेपर वाली फोटो ले लेते हैं, फिर से राइट के आइकन पर क्लिक कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सही से सेट कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर म्यूजिक ऐड करेंगे। सो म्यूजिक ऐड करने के लिए हम यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक के अंदर चले जाएंगे। म्यूजिक के अंदर जाने का हम यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर देंगे और हम यहाँ पर जो 11 सेकंड का वीडियो दिख रहा है इस वीडियो को यहां से क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। इस वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी हम यहां पे चूज पर क्लिक करके, तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा म्यूजिक आ चुका है। अभी हम यहां पर म्यूजिक में बीट्स ऐड करेंगे। तो म्यूजिक में बीट्स ऐड करने के लिए म्यूजिक बीट्स पर क्लिक करेंगे। जिन लोगों को बीट्स ऐड करना नहीं आता उनको मैं फटाफट से बता देता हूं। आप देख सकते हो यहां पर हमारा म्यूजिक हो गया। यहां पर टाइमलाइन लिखा रहा है जो रेड फ्लैग है, यहां पर क्लिक करने से आप बीट ऐड होंगी। सो गाइस, हम यहां पर सबसे पहली बीट ऐड करने वाले हैं 0.94 सेकंड पर फर्स्ट बीट ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दी और अपनी सेकंड बीट ऐड करने वाले हैं और 2.04 सेकंड पे। तो यहाँ पर हम 2.04 सेकंड पे आ जाते हैं और सेकंड बीट भी ऐड कर लेते हैं। और अपनी थर्ड बीट हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं और 5.00 सेकंड पे। तो मैं यहाँ पे 5.00 सेकंड पे फटाफट से आ जाता हूँ।
सो आप देख सकते हो। सो अभी हमने यहाँ पर अपनी थर्ड बीट भी ऐड कर ली, राइट के आइकन पर क्लिक करके फिर से राइट के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी सभी बीट्स को ऐड हो चुकी है। अभी हम अपनी सभी फोटोज़ को बीट के हिसाब से सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी न्यूज़पेपर वाली फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस फोटो को कुछ इस तरह से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट बीट पर ले आएंगे, यहाँ पर हमारी फर्स्ट बीट है तो यहाँ पर एंड कर देंगे। यहाँ से हमारी सेकंड फोटो स्टार्ट होगी और फिर से हम इसे सेकंड बीट पर ला के एंड कर देंगे। अभी हमारी ये वाली फोटो है तो हम इसको भी यहाँ पर आके थर्ड बीट पर एंड कर देंगे। और एंड करने का हमारा जो लास्ट वाली फोटो है इस फोटो को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इस फोटो को हम बड़ा कर लेंगे जहाँ तक हमारा सॉन्ग है वहाँ तक। तो हमारा सॉन्ग यहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ पर आके और यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करके इस फोटो को डिलीट कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी सभी फोटोज बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुकी हैं। अभी हम इसमें फिल्टर इफेक्ट्स लगाएंगे। तो गाइस इफेक्ट लगाने के लिए हम सबसे लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाने का ये जो जूम करके लिखा रहा है इधर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो जूम आउट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और इधर राइट के आइकन पर क्लिक कर देंगे। और राइट के आइकन पर क्लिक करने के बाद अभी हम अपनी सेकंड फोटो पर आएंगे, फिर से इधर आएंगे और जूम आउट वाला इफेक्ट फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अपनी इस वाली फोटो पे आ जाएंगे, इस वाली फोटो पे। और यहां पर आने के बाद हम यहां पर सबसे पहले एक इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सो हम यहां पर आएंगे थोड़ा आगे को, इधर स्क्रॉल करेंगे और यहां इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद हम यहां से कोई सा भी एक इफेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ये वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो इफेक्ट अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ये जिलेट डाउन वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जिलेट डाउन वाला इफेक्ट सेलेक्ट करने का इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा ऐसे खींच के और बिल्कुल फोटो के शुरुआत में ले आऊँगा, राइट के आइकन पर क्लिक कर दूँगा। और राइट के आइकन पर क्लिक करने का फिर से हम लास्ट में जाएंगे, इधर जूम पर क्लिक करेंगे, जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम इस फोटो को बीच में से आधा कर देंगे, इधर स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट पर क्लिक करने का फिर से इफेक्ट्स में जाएंगे और इफेक्ट में जाने का यहाँ पर हम अपना ये जो व्हाइट वाला इफेक्ट है इस वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। आप देख सकते हो इस तरह से करने के बाद हम यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो है वो यहाँ से कुछ इस तरह से होगी और फिर इस वाली फोटो पर आएगी। अभी हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाने का जूम पर क्लिक करेंगे और जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट करने का आप देख सकते हो ये फोटो कुछ इस तरह से जूम होना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी हमारा जो वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो वीडियो है वो बनके तैयार हो चुका है। अभी हम ऊपर तरफ एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ पर क्वालिटी अपने हिसाब से डिसाइड करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो गाइस आप सभी ने देखा आप इस तरह से बढ़ियान से वाला वीडियो एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो में जो भी कुछ आपको चाहिए होगा वो सब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। सो टेक्निकल सम का सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, वहां पर हमारा चैनल फर्स्ट में आ जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी कुछ आपको चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिएगा चैनल से। ये वीडियो अच्छा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर टेक्निकल सम हमारा हैंडल है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।